हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आए हैं THPRD। THPRD का फुल फॉर्म है टुलाटिन हिल्स पार्क एंड रिक्रिएशनल डिस्ट्रिक्ट। ये बीवर्टन एरिया में है। जैसा कि आपको नाम से पता ही चल रहा होगा, ये एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स हैं। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ यहाँ की THPRD की। तो 1950s के टाइम क्या हो रहा था कि जो इसके अगल बगल वाले एरिया हैं, वो सब उन सबका डेवलपमेंट हो रहा था। और जो जैसे यहाँ का मेन सिटी है पोर्टलैंड, और ये सबब एरिया है बीवर्टन। सो पोर्टलैंड में बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खुल गई थी, बट इधर पर ऐसा कुछ खुला था। तो उस टाइम यहाँ का पॉपुलेशन 3000 था बस। तो यहाँ पर एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे, उनका नाम था एलिस। तो उनको क्या लगा कि जो पोर्टलैंड के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये बीवर्टन के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या गवर्नमेंट को बोला कि हम ना एक यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी खोलते हैं और यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने उनका प्लान, एक दो साल लगे, 1955 में उनका प्लान अप्रूव हो गया। उसके बाद ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी को लैंड अलॉट हुई और कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। तो इनको लैंड अलॉट हुई 50 स्क्वायर माइल्स। हल्द्वानी का टोटल एरिया है 100 स्क्वायर माइल। तो इमेजिन कर सकती हो कितना बड़ा फैसिलिटी है। और इसमें इनके पास बहुत सारी अलग अलग साइट्स हैं, ट्रेल साइट्स हैं, और बहुत सारे और सेंटर्स भी हैं। मतलब जैसे और एक्वेटिक सेंटर्स आप देखोगे इधर उधर, वो सब भी हैं। तो इस टाइप से है इसका हिस्ट्री। और इनका उनका विज़न बड़ा बढ़िया था। आज यहाँ बीवर्टन का पॉपुलेशन है 270,000। तो अभी वो सारे लोगों को यूज करने को मिल रहा है। ये जो किसी विजनरी आदमी ने बहुत पहले टाइम में सोचा था कि ऐसा कुछ बनाते हैं, और उसके बाद सबको उसका फैसिलिटी मिल रहा है। और यहाँ पर अभी एक आध इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स भी होते हैं। जैसे अभी यहाँ लॉन टेनिस का कोई तो गेम हुआ था, उसके बाद यहाँ स्विमिंग के कंपटीशन भी होते हैं। आपको यहाँ का स्विमिंग पूल भी दिखाऊंगा, वो भी ज़बरदस्त है, बहुत ही बड़ा है। जब से पहले अभी चलते हैं अपन फुटबॉल के ग्राउंड में देखने के लिए। फुटबॉल ग्राउंड, और ये यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही इधर की साइड को। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा चल रहा है यहाँ पे। बढ़िया प्रैक्टिस चलते रहती है, यहाँ मैच भी होते रहते हैं। आज तो है नहीं मैच, शायद बाद में होगा, क्या पता मैच। जब भी मैच होते हैं, मैन और वुमेन वाले मैच सेम होते हैं, तो वो सेम टीम का पार्ट होते हैं। तो कभी भी तुम्हें लगेगा नहीं ऐसा कि वुमेन का स्किल सेट उतना मैच नहीं कर पा रहा, या उनका स्टेमिना उतना मैच नहीं कर पा रहा, या ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता इन यहाँ के मैच को देख के। तो इसकी वजह से मैच बहुत ही परफेक्ट होते हैं यहाँ पे। और दूसरा फ़ायदा क्या है उसका, इसीलिए US की जो वुमेन की फुटबॉल टीम है वर्ल्ड नंबर वन है। मुझे लगता है इनकी जो ट्रेनिंग इस लेवल की होती है ना यहाँ पे, बढ़िया सारे स्कूल्स और सब जगह, कि ये लोग बहुत बढ़िया कर लेते हैं इस टाइप से। दोस्तों अब हम आगे यहाँ के बास्केटबॉल कोर्ट की साइड। अभी एक्चुअली ज़्यादा ही सुबह हो रखी है, तो यहाँ कोई आया नहीं है खेलने अंदर। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा बारिश वारिश भी हो रही थी, इस वजह से कोर्ट अभी खाली है। दोस्तों एक चीज़ और दिखानी है आपको, ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये है स्केटबोर्डिंग वाला एरिया। तो इसमें अभी आप देख रहे होंगे इन्होंने बीच में ऐसे हर्डल से बनाए हैं या ट्रैक से बनाए हैं छोटे से, तो ये सब स्केटबोर्डिंग के लिए है। स्केटबोर्डिंग वाले बच्चे शाम को ही दिखते हैं वो ज़्यादातर, मैंने सुबह तो ऐसे कभी देखे नहीं। बट ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है। एक ये वाला एरिया है, और इसका एक ये भी काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स माना जाता है यहाँ पर, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं इसको। दोस्तों दूसरा प्रैक्टिस सेशन यहाँ चल रहा है। ये तो इसमें मतलब हार्डकोर ट्रेनिंग चल रही है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल दो ट्रेनर हैं, बिल्कुल देख रहे हैं सबको कि कैसा कौन खेल रहा है, और बिल्कुल इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ऐसा मत खेलो, इधर ऐसा मत खेलो। और उधर भी इधर साइड भी आपको दिखेंगे तीन ट्रेनर यहाँ भी खड़े हैं कोच, और वहाँ एक कोच उधर है बीच में, वो बता रहा है उनको कि कैसे कैसे खेलना है। और
दोस्तों एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, इनकी फॉर्मेशन देखना। जैसे अभी हमारे जब हम खेलते थे बचपन में फुटबॉल, तो हम तो बहुत ही घटिया फुटबॉल खेलते थे, तो हमारा कैसा कि एक बॉल और 22 के 22 लोग उसी के पीछे हैं, उस गेम के पीछे। बट इसमें कैसा है, अभी देखना कि बॉल उधर है बट वो फॉर्मेशन बनी हुई है, लोग अपना पोजिशन लिए हुए हैं। जैसे जो मिडफील्ड खेल रहा है वो मिडफील्ड खेल रहा है, जो डिफेंडर है वो डिफेंड कर रहा है, जो फॉरवर्ड खेल रहा है वो फॉरवर्ड ही खेल रहा है। तो यहाँ इस टाइप का मतलब बढ़िया फॉर्मेशन रहता है, तो बच्चों को पहले से पता रहते हैं टैक्टिक्स ऑफ गेम। दोस्तों मुझे लग गई है थोड़ा सा ठंड, अभी ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आप बताना आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।